बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ वकास अली। आज मैं लेके आया हूँ स्पाइसी नूडल की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है, एक बार इंशाल्लाह आप खाएंगे तो मेरी इसी वीडियो के नीचे फीडबैक लाजमी देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल डालना है। उसके बाद दो तीन हरी मिर्चें काट के जो है ना बारीक बारीक वो डाल देनी है। अगर ज़्यादा तीखी हैं तो आप एक या डेढ़ मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने स्पाइसी बनाना है तो अब मिर्ची होंगी तो स्पाइसी होंगे ना। तो इसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है थोड़ा सा। तो ये मैं कोरियन स्टाइल में बना रहा हूँ, ओरिजिनल रेसिपी है ये। इंशाल्लाह एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो आप इंशाल्लाह याद करेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा थोड़ा इनको जो है ना बस ब्राउन करना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। उसके बाद थोड़ा छोटा सा प्याज मैंने काट लिया है, बारीक काट कर प्याज डाल देंगे। तो इसको जो है ना थोड़ा हल्का ब्राउन करेंगे। तो इसके बाद मेरे पास जो है ना सब्ज़ियाँ हैं, मेरे पास तो फ्रोज़न सब्ज़ियाँ हैं, यानी वेजिटेबल फ्रोज़न, यानी जो जमी हुई होती हैं पैकेट वाली। अगर आपके पास ताज़ा है तो आप ताज़ा डाल लें। तो इनको हल्का सा फ्राई करना है, यानी इनको पकाना नहीं है। आपको पता है कि सब्ज़ियाँ जो है कच्ची होती हैं, तकरीबन आधी कच्ची आधी पक्की नूडल में बहुत ही टेस्ट अच्छा होता है। तो धनिया पाउडर का एक चम्मच, लाल मिर्च का एक पाउडर, हल्दी थोड़ी सी, थोड़ा सा गर्म मसाला। तो ये स्पाइसी तीन चार स्पाइसीज आपके पास, हर बंदे के पास अवेलेबल होते हैं हर घर में, तो बस यही आपने डालने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालना। तो इसके बाद अगर टमाटो पेस्ट हो तो पेस्ट डाल दें, अगर टमाटर हो तो आप एक छोटा टमाटर डाल दें इसमें। तो इन सब्ज़ियों को अच्छी तरह भूनेंगे। अगर आपके पास सोया सॉस है तो डाल दें, क्योंकि सब्ज़ियों का टेस्ट बहुत VIP लेके आएगा। एक चम्मच तकरीबन डालना है, तो एक चम्मच अगर है तो डाल दें, नहीं तो कोई मसला नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे नूडल बहुत मज़े के बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हमने इस मसाले को भूनना है, ये ना हो कि जल जाए और बाद में जो है ना जायका अच्छा ना आए। तो अच्छी तरह से हमने इनको भून लेना है, आराम आराम से बिल्कुल। तो एक कप हमने पानी डालना है, उबला हुआ पानी है मेरे पास, कैटल में मैंने उबाल लिया था। इसके बाद हम जो है ना नूडल खोलते हैं। ये वाला पैकेट मैंने लिया है, एक पैकेट मैंने बनाना है। तो ऊपर तो 2 मिनट या 3 मिनट लिखा होता है, लेकिन नहीं यार, 2-3 मिनट में नूडल कहाँ बनते हैं, 10-15 मिनट लग जाते हैं कम से कम। तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको तजर्बा हो जाएगा, 10-15 मिनट कम से कम लग जाते हैं। ये है मसाले, ये ऑयल जो है वो साथ में आता है यहाँ पर, तो कई लोग तकरीबन ये वाला ऑयल डालते हैं, कई नहीं डालते, लेकिन मैं डालूँगा लाजमी। तो ये नूडल है सादा से, ये मैंने ऑयल डाल दिया जो साथ में आया था। इसमें जो है ना स्पाइसेस अच्छे होते हैं, तो इस तरह से हला हला कर जो है ना हमने इसको मिक्स करते जाना है। अगर आप ढककर पकाएंगे तो ये ज़्यादा गल जाएंगे, ज़्यादा गले हुए बिल्कुल जो नूडल होते हैं वो भी मज़ा नहीं आता, बस थोड़े थोड़े जो है ना जान में होने चाहिए। तो इसके बाद जो मसाले थे हमारे पास वो मैंने डाल दिए। आपको पता है कि पहले मैंने नमक नहीं डाला था, तो इन मसालों में नमक जो है वो काफ़ी होता है। तो इस तरह हलाते जाएँ आराम आराम से, इनको मिक्स करते जाएँ सब्ज़ियों के साथ। तो 2-3 मिनट में माशाल्लाह हमारे जो है मिक्स हो जाएंगे, तो तकरीबन रेडी हैं। 2 मिनट के लिए मैंने ढाँप के रखे थे, तो 2-3 मिनट के लिए आप भी ढाँप दें अच्छी तरह ताकि पक जाएं। तो माशाल्लाह तकरीबन रेडी हैं हमारे नूडल। इस तरह हलाकर जो है पानी थोड़ा रहता है वो खुशक कर लेंगे। इसके बाद हमने करने हैं सर्व। तो ये मैंने अपने लिए ही बनाया है, एक ही पर्सन के लिए। तो सिर्फ मैंने आपको रेसिपी बताई है, माशाल्लाह आप जो है ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा पैकेट भी इसी क्वांटिटी के मुताबिक आप जो है ना बना सकते हैं। जैसे मैंने तरीका जो इस्तेमाल किया, आप यही तरीका इस्तेमाल करें, आपका नूडल कमाल के बन गया। आप देख सकते हैं लुक कितनी ज़बरदस्त था ये। तो उम्मीद है कि दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ प्रेस किया करें। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं आपका नोटिफिकेशन नहीं आता। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।